नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं डी फोर यू न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। भ्रष्टाचार के मामले में वैसे तो पुलिस पहले से ही बदनाम है। यह भी कहा जाता है कि पुलिस पैसे के बिना काम नहीं करती, पैसे लेकर ही काम को अंजाम दिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं जनता से। लेकिन यहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है कि पुलिस वालों ने एक पुलिस वाले से ही पैसे वसूल कर लिए और उसे डर दिखाया गया था, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ एनडीपीसी एक्ट का यानी कि नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया जाएगा। इसका डर दिखाकर 35 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई और सौदा तय हुआ 25 लाख रुपए में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता से ये वायदा करके सत्ता में आई थी कि नशे और भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस रहेगा और यहां पर पुलिस ही पुलिस से फिरौती मांग रही है। इसलिए शायद सरकार ने अपने ही हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला को भी बर्खास्त कर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 1% कमीशन मांगा है। अब तरन तारण में विजिलेंस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है कि पुलिस ही पुलिस से फिरौती वसूल कर रही है। इससे मामले को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है। सब इंस्पेक्टर को बंधक बनाकर उससे 23 लाख रुपए ठग लिए गए और इसी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। एक पूर्व DSP लखबीर सिंह और एक बड़े अधिकारी DIG स्तर के अधिकारी उनके रीडर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले भी यह खबर आई थी कि एक तस्कर पिशौरा सिंह को बचाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है और ये रिश्वत ली गई है फिरोजपुर के पूर्व DSP लखबीर सिंह संधू, और ये रिश्वत ली गई थी DIG इंदरबीर सिंह के रीडर बरजिंदर सिंह के साथ मिलकर। अब यह मामला सामने आया है कि सब इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह, जो कि पट्टी में CIA स्टाफ में तैनात था, और उसी से ही 35 लाख रुपए मांग लिए गए। इतना ही नहीं, पैसा वसूलने के लिए उसे फिरोजपुर बुलाया गया और फिर उससे अवैध तौर पर हिरासत में भी रखा गया और फिर उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 35 लाख रुपए मांगे गए और मामला तय हुआ 25 लाख रुपए में और 23 लाख रुपए की जो रकम वसूल भी कर ली गई। मामला है दिसंबर 2021 का। उस समय DSP लखबीर सिंह तरन तारण के सब डिवीजन भिक्खीविंड में तैनात थे और अब यह मामला 15 जुलाई को थाना सिटी पट्टी में दर्ज किया गया था। अमृतसर के रहने वाले सब इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह के मुताबिक वह पहले CIA पट्टी में इंचार्ज थे और 10 दिसंबर 2021 को फिरोजपुर रेंज के DIG के रीडर इंस्पेक्टर बरजिंदर सिंह ने उन्हें फोन पर बताया कि 11 दिसंबर 2021 को तुम्हें 10 बजे सुबह DIG के समक्ष पेश होना है। वह 11 दिसंबर को 9 बजे ही वहां पर पहुंच गया। सब इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह के मुताबिक वहां पर पहुंचते ही उसे अवैध तौर पर बंधक बना लिया गया और उसे कहा गया कि यह जो सब कुछ हो रहा है फिरोजपुर के DIG के आदेश पर ही हो रहा है। 11 दिसंबर को उसका डोप टेस्ट भी करवाया गया जो कि नेगेटिव निकला। इसके बावजूद उसे छोड़ा नहीं गया। जब बलजिंदर सिंह ने यह पूछा कि उसे बेवजह परेशान क्यों किया जा रहा है तो उसे यह कहा गया कि यह सारा मामला DIG के ध्यान में है, अगर तुम बचना चाहते हो तो भिक्खीविंड में तैनात DSP लखबीर सिंह संधू के साथ संपर्क करो, वही तुम्हें बचा सकते हैं। इस पर बलजिंदर सिंह मुलाकात करते हैं DSP लखबीर सिंह संधू के साथ और वह कहते हैं बलजिंदर सिंह को कि मामला बहुत बिगड़ा हुआ है, 35 लाख रुपए की रिश्वत दो, इसके बिना तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर नारकोटिक एक्ट का मामला दर्ज कर लिया जाएगा। पहले तो यह होता था कि तस्करों को भय दिखाया जाता था, ऐसा शायद पंजाब में पहली बार सामने यह केस आया है कि एक पुलिस वाले ने पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर को नशे का केस में फंसाने का डर दिखाकर उससे 23 लाख रुपए ठग लिए हों, 25 लाख रुपए में सौदा तय होता है और बलजिंदर सिंह को यह भी बताया जाता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट पर भी हमारी पूरी तरह से नजर है। अब यह भी बलजिंदर सिंह की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं, यह बताया गया है कि
डीएसपी संधू के उसे लगातार फोन आने शुरू हो गए और 13 दिसंबर को उसने अपने बैंक से 10 लाख रुपए निकलवाए और डीएसपी के दफ्तर में जाकर उसे दे दिए और लगातार इसी दौरान डीएसपी उस पर दबाव बनाता रहा कि बाकी की रकम भी उसे शीघ्र ही दो वरना तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाएगा। ब्रजेंद्र सिंह ने अपने दिए गए बयानों में यह कहा है कि उसने बाद में 13 लाख रुपए की राशि फिर से डीएसपी को दे दी और लेकिन 2 लाख रुपए जो बच गए थे उसे लेने के लिए लगातार उसे परेशान किया जाता रहा, लगातार ही उसे फोन पर फोन आते रहे। अब ये बलजिंदर सिंह का यह भी कहना है कि वह पिछले कई सालों से बीमार है और उसे ब्रेन में ट्यूमर है लेकिन उसे बिना किसी कारण ही गैर कानूनी ढंग से बंधक बनाकर और नारकोटिक्स एक्ट का उस पर मामला दर्ज करने का डर दिखाकर उसे झूठे केस में फंसाने के नाम पर 23 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। अब इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इस डीएसपी को एक दिन पहले पट्टी में पेश भी किया गया था जहां पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसी सूचना है कि विजिलेंस की ओर से डीएसपी लखबीर सिंह का रिमांड ही नहीं मांगा गया। अब सवाल यह है कि जब प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस वालों से ही पुलिस वाले बड़े अधिकारी जो हैं वो पैसे की मांग कर रहे हैं तो फिर आम जनता का क्या बनेगा, आम जनता का हशर क्या होगा, आम जनता तो पिसती ही रहेगी। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है, दड़े सट्टे का कारोबार लगातार चल रहा है, इसकी कई खबरें आती रही हैं। यह भी सच बताया जा रहा है कि कई गैंगस्टरों को, कई दड़ा सट्टा कारोबारियों को ये पुलिस वालों का ही संरक्षण है और ये दड़ा सट्टा कारोबारी ही गैंगस्टरों को फंडिंग भी करते हैं, यानी कि अवैध तौर पर पैसा कमाते हैं। पैसे हुए कमाए जो पैसा कमाया जाता है उसमें से दड़े सट्टे के रूप में जो पैसा कमाया जाता है उसमें से कुछ हिस्सा गैंगस्टरों को दिया जाता है और कुछ पैसा जो है वो पुलिस अधिकारियों को भी दिया जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सारा तंत्र बिगड़ा हुआ है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस पूरे तंत्र को खराब कर रहे हैं। सरकार को उनकी पहचान कर उन्हें खुड्डे लाइन लगाना चाहिए, उन्हें दरकिनार करना चाहिए ताकि आम जनता चैन की सांस ले सके। एक और मामला सामने आया है, लुधियाना के गांव मडियानी की सरपंच गुरप्रीत कौर का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में सरपंच गुरप्रीत कौर ये कहती हैं गांव में 13 से 14 साल के बच्चे भी नशा करने लगे हैं। गांव में पिछले 5 साल में करीब 15 युवाओं की मौत नशे के कारण हो चुकी है। पुलिस वाले उससे सबूत मांगते थे कि गांव में नशा बिकता है, इसके सबूत दो। इसीलिए पंचायत ने तय किया कि लोग खुद मिलकर नशा बेचने वालों के घरों की तलाशी लेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। इस वीडियो में वह लोगों को दिखा रही हैं कि नशा बेचने वालों के घर से गहने मिले हैं और पैसे भी मिले हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एक दिन पहले पुलिस की ओर से गांव में दबिश दी गई और लोगों के साथ बातचीत भी की गई, उन्हें यह आश्वासन दिलाया गया आप नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को दें, इन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। गांव मंडियानी में आईजी एसपीएस परमार भी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे थे और एक एक घर की तलाशी भी ली गई। ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल यह है जब एक सरपंच ये कह रहा है कि फलाना उस जगह पर नशा बिकता है तो आखिरकार पुलिस को किस बात का इंतजार रहता है, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है। जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद तुरंत बड़े अधिकारी भी गांव में पहुंच जाते हैं और लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि आप चिंता ना करें, नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आई ठीक है, उन्होंने असं दसिया भी साढ़े पिंड सरेआम चिट्टा बिक रहा है, कोई नथ नहीं पै रही, असं जगरावां तक लुधियाने तक सारे प्रशासन में पर साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई ठीक है। उस तो बाद असं सोचा भी पंचायती तौर पर मता पावे उन्होंने असं पिंड कटांगे, पर असी पुलिस लैके असी पिंड वाले ने यह सोचा भी असं एक बार पिंड तौर पर उन्होंने घर की तलाशी लेना चाहेंगे ठीक है। असी सारे पिंड वाले ने उन्होंने घर की तलाशी लैती है, तो तलाशी लैन के मुताबिक सानू गहने उन्होंने घर के जो जो बंदे उन्होंने दे के गए हैं उन्होंने ज्वेलरी के नाल पर्चियां ने गिया साढ़े को ठीक है। नंबर दे उत्ते ये उन्होंने बिडा के पैसे मिले आ सानू पता ही नहीं है किन्ने किन्ने ठीक है, कोई गिनती नहीं आई। उस तो बाद सानू एक कंप्यूटराइज डंडा मिले उन्होंने घर तो ठीक है। उस तो बाद निक्किया निक्किया पर्चियां उन्होंने घरों मिली ठीक है, जो लिफाफिया जिले चिट्टा पाके वह वेट करके देंगे
ਸਰਿੰਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਧਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਸਰਿੰਜਾਂ सबूत दे रहे असीं सारे नूं हाथ जोड़ के बेनती करदे आ जिन्ने इत्थे भी लाइव हो रहे आ सारे नूं बेनती है कि साडी ये मंग सरकार तक पहुंचाई जावे भी असीं पिंड वाले नूं हुण सबूत भी देते आ हल्के दाखे दा पिंड मंडियाणी हल्के दाखे दे मंडियाणी विचों सबूत देते आ जिहड़ा पिंड दे चिट्टे बेचण दे विच इक नंबर ते सीगा सारा कुछ हुण दसो साडी हाथ जोड़ के प्रशासन नूं बेनती आ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਊਗਾ ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡੂਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੇ 25 जुलाई को बुलाया गया है। सोनिया गांधी से लगभग वही सवाल पूछे गए जो कि ईडी के अधिकारी की ओर से पहले उनके बेटे राहुल गांधी से पूछे जा चुके हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर भाजपा की ओर से कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। मोदी सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई में तेजी लाएगा। कई जगहों पर आज कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन भी किए गए। पिट्ठू ईडी के को आगे कर कायर मोदी सरकार सत्य को जलाने की कोशिश कर रही है। सत्य की ध्वजवाहक श्रीमती सोनिया गांधी को डराने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को। वो ये भूल गए कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे। श्रीमती सोनिया गांधी उस विरासत और विचार का प्रतिनिधित्व करती है। जो अंग्रेज से नहीं डरे वो मोदी सरकार से क्या खाक डरेगी। कि ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। ये सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम यह बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को जांचा और अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी की और टैक्स लगाया। उसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए ये लोग, वहां भी सफलता नहीं मिली। और उसके बाद फिर हाईकोर्ट गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो देश को हम यह बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल में शामिल दो गैंगस्टरों को मार गिराया था पुलिस ने एक दिन पहले, जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू उर्फ कुस्सा। आज भी पुलिस उसी गांव में पहुंची। यह गांव है भकना गांव और हुशियार नगर का इलाका है जहां पर एनकाउंटर किया गया था। यह
पाकिस्तान से करीब 10 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। और यह भी पुलिस की इस पर भी नजर है कि जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू को एक अज्ञात कार भकना में छोड़कर गई थी, उस पर भी पुलिस की नजर है। डीसीपी डिटेक्टिव मुखविंदर सिंह भी वहां पर पहुंचे थे। पुलिस ने देर रात तक पूरे इलाके को खंगाला और उस घर की भी तलाशी ली जहां पर ये गैंगस्टर आकर छिप गए थे और जहां से इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। डीसीपी के अनुसार पुलिस की ओर से कार की पहचान करने के लिए भी जांच शुरू कर दी है। वहीं रात अंधेरा होने के कारण फॉरेंसिक टीम को जांच रोकनी पड़ी थी। अब ये जांच फिर से शुरू कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है अभी ये इस जांच को खत्म होने में 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। डीसीपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने यह भी बताया कि दोनों गैंगस्टरों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल की ओर से किया जाएगा। डीसीपी साहब ने जो ब्रीफिंग दी थी उस तो अलावा जिहड़े द्वारा फॉरेंसिक टीम ने सर्च की है AK-47 ਦੇ ਸਾਨੂੰ 31 ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਡ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਦੀ AK-47 ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਸ ਦਾ USA ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ 45 ਬੋਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਔਰ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵਹੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ अपने बेटे के हथियारों की शिनाख्त करने के लिए अमृतसर पहुंचे। बलकौर सिंह ने कहा यह तो अभी शुरुआत है, उनकी लड़ाई लंबी है, उनका बेटा तो वापस नहीं आएगा लेकिन वह अपने बेटे को इंसाफ दिलाने तक लड़ते रहेंगे। और मैं इन्होंने सराहना कर दें इस काम की होना चाहिए पर यह हरी शुरुआत है, हरी बहुत लड़ाई बहुत लंबी है क्योंकि दो अटैक के नाल मेरा बेटा वापस नहीं आ जाना। वहीं बलकौर सिंह को भी सोशल मीडिया पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं और ये लिखा गया है गैंगस्टरों की ओर से कि अगला नंबर बापूदा है। यह भी सूचना है कि पाकिस्तान से भी बलकौर सिंह को एक व्हाट्सएप कॉल पर धमकी मिली है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में शामिल 6 शार्प शूटरों में से प्रियावर्त फौजी कशिश उर्फ कुलदीप और अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू कुस्सा को पंजाब पुलिस की ओर से मार गिराया गया है। अब एक अभी भी जो शार्प शूटर है वो फरार है, उसका नाम है दीपक मुंडी। पंजाब पुलिस को इसकी भी तलाश है और इस केस में शार्प शूटरों के 18 मददगारों और हत्या करने की साजिश रचने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों गैंगस्टरों के एनकाउंटर को लेकर आज डीजीपी गौरव यादव ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। गैंगस्टर टास्क फोर्स वालों जिला पुलिस वालों कल का एनकाउंटर होया सी, ओदे बारे विस्तार पूर्वक सीएम साहब की ब्रीफिंग की गई। सीएम साहब के आदेशों मुताबिक गैंगस्टर्स ते ड्रग्स नू पंजाब तो पूरी तरह खत्म करन लई जिहड़े उपराले किए जा रहे हैं उन्हां नू रिव्यू किया गया। तो डिटेल विच एडीजी AGGF प्रमोद बान जी है, गुरमीत चौहान जी है, तो असी डिटेल्ड दे विच ऑपरेशन की ब्रीफिंग की सीएम साहब नू किवें ऑपरेशन किया गया तो किस अफसर का किवें रोल रहा। तो रिव्यू तो बाद सानू दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गैंगस्टर्स के खिलाफ यह जंग जिहड़ी हैगी जारी रहेगी कि जदों तक पंजाब दे विच बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर टोटली असी जड़ा तो इसनू साफ कर दांगे गैंगस्टर्स नू ते ड्रग्स नू। सर केड़े-केड़े वेपन बरामद हुए और की वेपन सिद्धू मूसेवाले दे कतल दे विच भी इस्तेमाल हुए सी? देखो जी इन्वेस्टिगेशन बारे मैं बहुत ज्यादा नहीं कर दस सकदा। AK-47 राइफल बरामद हुई है, पिस्टल बरामद हुई है, काफी हैवी मात्रा दे विच एमुनिशन आर्म्स बरामद होया है। सो यह इन्वेस्टिगेशन चल रही हैगी, साइंटिफिक तरीके नाल असी उसनू कनेक्ट करांगे जड़ा पिछला क्राइम होया सी।
पाकिस्तान जान की फिराक क्योंकि पाकिस्तान तो बेहद नेड़े और की रिंदा इन्हां दी मदद कर रहा है हाले यह चीज इन्वेस्टिगेशन वेखी जाऊगी जी असी सारे कनेक्शन सारी कनेक्टिविटी एक्सप्लोर करांगे जिस तरीके नाल क्या जा रहा है कि 147 नाल सिद्धू मूसेवाला का हमला है कि वही 147 है जिहड़ी बरामद हुई है एदी पॉसिबिलिटी हैगी काफी हाई डिग्री की पॉसिबिलिटी है पर असी इनू फोरेंसिक एग्जामिन करान तो बाद ही असी कोई पुख्ता गल कह सकते हैं देर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी की आही 147 यूज हुई सी बट बाकी साइंटिफिक जांच तो बाद पता लगूगा दीपक मुंडी नू लभण वास्ते की कर रहे असी लगे जी थोनू रिजल्ट दांगे दीपक मुंडी इज द ओनली शूटर विच इज लैफ्ट ते असी पंजाब पुलिस की सारी टीम ओदे मगर लगियां है ते असी छेती रिजल्ट दांगे जी ये जिहड़े पिछलियां सरकारां द्वारा पाले हुए गैंगस्टर जिहड़े के कई जेलां च बह के भी अपना काम चला रहे सी कई उन्हां दे गुरगे बाहर भी ने कई बाहरले मुल्कां च ने तां असी उन्हां विरुद्ध एक सख्त मुहिम विधी है ओह असी आउण सार एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई एसटीएफ पहले ही मौजूद सी पंजाब पुलिस पहले ही नफरी साडे कोल बहुत है बड़ी दलेर पुलिस है तां इस लड़ी दौरान सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा बड़ा दुखदाई कतल होया जिस मेरे छोटे भाई का उन्हूं सब तो पहला गोलियां मारन वाले जिहड़े शार्प शूटर सी उन्हां नूं ट्रेस किया पुलिस ने उन्हां दा पिछा किया टाइम थोड़ा जिहा लग गया पर बड़ी बहादुरी दे नाल जिहड़ी साडी फोर्स ने वो दोनों शूटर जिहड़े सीगे वो एक घर दे विच लुक गए उन्हां नूं वार्निंग दित्ती कि सरेंडर कर दो पर उन्होंने उल्टा पुलिस की फायरिंग करती तो काफ़ी 3-4 घंटे मुकाबला चलिया तुसीं सुनिया होना मीडिया दे विच ते विच दोनों शूटर जिहड़े ने वो मारे गए हैं मैं पंजाबियों नूं गरंटी दवाना कि मैनू तुसीं भारी गिणती दे विच वोटा पा के मेरे ते यकीन कीता यही यकीन मेरे ते कायम रखियो मैं इस धरती नूं फिर दोबारा रंगली धरती बनाउणा चाहुंदा असीं एक भी गैंगस्टर नूं बख्शांगे नहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था से जुड़ा एक और बड़ा कदम उठाया है सरकार ने पंजाब के पूर्व और मौजूदा सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों का ब्यौरा हाईकोर्ट को दे दिया है हाईकोर्ट के समक्ष सरकार ने यह बताया है कि पूर्व और मौजूदा सांसदों विधायकों के खिलाफ 48 मामलों में जांच अभी जारी है और उनके 99 मामले अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं आपको यह भी बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर ही पंजाब सरकार की ओर से ये जानकारी सौंपी गई है कोर्ट को यह बताया गया है कि किस जिले में किस किस पूर्व और मौजूदा सांसद और विधायक के खिलाफ किस धारा के तहत केस दर्ज है और ये केस कब दर्ज किया गया था और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है भारी बरसात के कारण श्री हरमंदिर साहब के आसपास बनाया गया हेरिटेज मार्ग वहां पर पानी भर गया जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू को जो वोट मिले हैं उनकी वैल्यू 3,78,000 बताई जा रही है जबकि यशवंत सिन्हा के वोट वैल्यू की जो वैल्यू है वह 1,45,600 बताई जा रही है अब यह तय हो गया है कि देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार थी भाजपा ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर एक बड़ा दांव खेला है आज के लिए बस इतना ही कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार।